ए आकाशवाणी जलंधर है। हुण तुसी अमन देव तों खबरां सुणो। भारत ते श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग दे अहम खेतरां च पंज समझौतियां ते दस्तखत कीते ने। मणिपुर हिंसा ते होर मुद्दियां ते अज लगातार दूजे दिन संसद दीआं दोहां सभावां दी कारवाई च विघन पिआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भलके नवे भर्ती हुए मुलाजमां नूं 70,000 तों वध नियुक्ति पत्र वंडणगे। मुढ़लियां खेतीबाड़ी कर्जा सेवावां देश भर विच सांझे सेवा केन्द्रां वलों मुहैया कराईआं जांदीआं सेवा देणगीआं। पंजाब दे मानसा जिले च घग्गर दे चांदपुर बन नूं पूरन दा कम तेजी नाल जारी है। बैडमिंटन च सात्विक साई राज रंकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी दी भारतीय जोड़ी कोरिया ओपन दे सैमीफाइनल च पहुंच गई है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अज नवी दिल्ली च श्रीलंका दे राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे नाल गल्लबात कीती। मीटिंग मगरों सांझी प्रेस कांफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछला एक साल श्रीलंका दे लोकां लई चुनौतियां भरिया रहा है ते भारत इक नजदीकी दोस्त वजों हमेशा श्रीलंका दे लोकां नाल खड़ा रहा है। दोहां देशां ने आर्थिक सहयोग दे अहम खेतरां च पंज समझौते कीते ने। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दे दौरे ते आए हुए श्रीलंका दे राष्ट्रपति विचकार दवली गल्लबात मगरों मीडिया नूं संबोधन करदिआं विदेश सकत्तर विनय क्वात्रा ने कहा कि समझौतियां च मुड़ तों वरतों योग ऊर्जा ते श्रीलंका दे ट्रिंकोमली च आर्थिक विकास दे प्रोजैक्टां लई समझौते शामल ने। उन्हां कहा कि इक होर समझौता श्रीलंका च यूपीआई ऐप दी प्रवानगी लई एनआईपीएल ते लंका पे दरमियान होया है। दोहां नेतावां ने दवल्ले संबंधां दे समुचे पहलुआं दा जायजा लिया। पार्लीमेंट दीआं दोहां सभावां अज लगातार दूजे दिन मणिपुर हिंसा ते होर मुद्दिआं ते विघन जारी रहा। लोक सभा ते राज सभा दिन भर लई उठा दित्तियां गईआं ते हुण इह सोमवार मुड़ जुड़नगीआं। लोक सभा जदों दुपहर 12 बजे पहली बार उठाए जाण तों बाद मुड़ जुड़ी तां कांग्रेस डीएमके जनता दल यूनाइटेड शिवसेना यूबीटी ते होरना पार्टियां तों मैंबर इस मुद्दे ते नारे लाउंदे सभा दे विचकार आ गए। इह मणिपुर मुद्दे ते प्रधानमंत्री मोदी वल्लों सभा च बयान दित्ते जाण दी मंग कर रहे सन। बीआरएस बीएसपी समाजवादी पार्टी ते होरना तों मैंबर सभा च खड़े हो गए। पार्लीमेंट्री मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने दोहराया कि सरकार बहस लई तैयार है ते इल्जाम लाया कि विरोधी धिर मणिपुर मुद्दे ते सभा नूं बहस नहीं करन दे रही। पश्चिमी बंगाल तों कुछ बीजेपी मैंबरां ने राज विच हिंसा ते टीएमसी सरकार खिलाफ नारे लाए। शोर शराबे दौरान सभापति ने विरोध कर रहे मैंबरां नूं अपनियां सीटां ते वापस चले जाण ते सभा दा कामकाज चलण देण दी अपील कीती, पर उन्हां ने नारे लाउणे जारी रखे जिस नाल सभा दिन भर लई उठा दित्ती गई। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मणिपुर मुद्दे ते विरोधी धिर ते संसद विच चर्चा तों भज्जण दा दोष लाया है। संसद भवन दे बाहर अज पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं उन्हां कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मामले विच दोषियां खिलाफ सख्त कार्रवाई करन दे निर्देश दित्ते ने। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विशेष तौर ते कहा है कि देश दे किसे भी हिस्से विच अजिहियां घटनावां दी जांच कीती जाएगी। उन्हां दोष लाया कि विरोधी धिर अपनी जिम्मेवारी तों भज रही है। संसद के सत्रों का उदाहरण देखेंगे तो विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाता है कि चर्चा ना हो, सदन ना चले। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं, या चर्चा में भाग लेते हुए अब उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं? दुख का विषय है कि देश की जनता जब एक उम्मीद के साथ संसद सत्र की ओर देखती है और ये विपक्षी दल मुद्दों को नहीं उठाने देते, चर्चा में भाग नहीं लेते, तो अपने आप में इनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस विच ज्ञानवापी मस्जिद इमारत के विज्ञानिक सर्वेक्षण लई हिंदू पटीशनर की अर्जी प्रवान कर ली है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने भारतीय पुरासारी विभाग एएसआई नूं वजूखाना का इलाका छड़ के जो मुसलमाना वलों वरत्या जांदा है पूरी इमारत का विज्ञानिक सर्वेक्षण कराउण लई संभावनावां का पता लाउण लई कहा है। अदालत ने एएसआई नूं 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपण लई कहा है जद केस की अगली सुनवाई होगी। ये खबरां तुसी आकाशवाणी जलंधर तों सुन रहे हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आधुनिक तकनालोजियां ते अमलां दी वरतों नाल आलमी किरतियां नूं महारत देण ते जोर दित्ता है। उन्हां कहा कि आलमी पद्धर ते मोबाइल किरती भविख च इक
सच्चाई बन जा रहे ने ते इसलिए विकास ते आलमीकरण ते महारता नूं वधाया जाना चाहिदा है। श्री मोदी ने कहा कि G20 नूं इस संबंध विच मोहरी भूमिका निभाउणी चाहिदी है। प्रधानमंत्री एक वीडियो संदेश राही मध्य प्रदेश च इंदौर विखे G20 देशां दे किरत ते रोजगार मंत्रियां नूं संबोधन कर रहे सन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भलके वीडियो कांफ्रेंसिंग राही नवें भर्ती कीते गए व्यक्तियों नूं 70,000 तों वध नियुक्ति पत्र वंडणगे। यह रोजगार मेला देश भर दीआं 44 थावां ते होएगा। यह भर्तियां इस पहलकदमी नूं हमायत दे रहे राज सरकारां ते केंद्र प्रबंधक प्रदेशां दे विभागां च हो रहीआं ने। नवें भर्ती कीते गए व्यक्ति जिन्हां नूं देश भर तों चुणिआ गया मालीए माली सेवावां डाक स्कूली सिख्या बारे विभागां रख्या सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालयां अते सरकारी खेत्र दीआं होर केंद्रीय इकाईआं च शामल होणगे। रोजगार मेला रोजगार पैदा करन नूं सर्वोच्च तरजीह देण दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दी वचनबद्धता नूं पूरा करन वाल इक कदम है। इन्हां नवें चुणे गए व्यक्तियों नूं अपने आप नूं कर्मयोगी प्रारंभ राही सिखलाई देण दा मौका भी मिलेगा जिथे 580 तों वध ई लर्निंग कोर्सिस उपलब्ध ने। मुढलियां खेतीबाड़ी कर्जा सेवावां PACS अज तों देश भर विच सांझे सेवा केन्द्रां CSC वलों दित्तियां जांदियां सेवावां मुहैया करनगियां। यह सूचना केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली विच बकायदा इस उद्यम का ऐलान करदिआं दित्ती। PACS देश के 13 करोड़ किसानां समेत देहाती नागरिकां नूं बैंकिंग बीमा आधार रजिस्ट्रेशन ते सेहत सेवा वर्गियां 300 तों वध सेवावां मुहैया करवाउणगियां। आकाशवाणी भारत की G20 प्रधानगी शानदार ढंग नाल मना रहा है। 150 दिना समारोह नवी दिल्ली च आकाशवाणी च हरंग भवन विखे शुरू होया। आकाशवाणी के डायरैक्टर जनरल डॉ वसुधा गुप्ता ने समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके से बोलदिया उन्होंने कहा कि आकाशवाणी भारत दीआं सभ्याचारक रवायतां दी सांभ संभाल दा एक मजबूत माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी समारोह राही उभर रहे कलाकारां ते नौजवानां नूं एक मंच मुहैया करवा रहा है। इस साल 6 सितंबर तक चलने वाले समारोह च आकाशवाणी दिल्ली NCR ते अटारी बार्डर विखे एक धरती एक परिवार एक भविख थीम तहत वख-वख विद्यक सभ्याचारक ते साहित्यक प्रोग्राम कराए जाणगे। चल रही खंड की रुत च गन्ने के 91% तों वध बकाए अदा कर दिते गए ने। यह गल खपतकार मामलों खुराक ते जनतक वंड बारे राज मंत्री साधवी निरंजन ज्योति ने अज राज सभा च एक लिखती जवाब विच दित्ती। उन्हां यह भी कहा कि पिछली खंड रुत 2021-22 थी 99.9% तों वध गन्ने का बकाया अदा कर दिता गया है। पंजाब के बहुते हिस्सों में अज मौसम साफ रहा पर बदलवाई बनी रही। पठानकोट गुरदासपुर ते जलंधर जिले में कई थावां ते रुक रुक के मीह पैण का सिलसिला चलता रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे दौरान माझा दुआबा ते पछमी मालवे के कई हिस्सों में मीह पैण की संभावना दसदिआं येलो अलर्ट जारी किया है। हड़ प्रभावित इलाकों में राहत ते बचाव कार्य जंगी पद्धर ते जारी ने पर लोगों नूं कई समस्यावां तों जूझना पै रहा है। उधर मानसा जिले में घग्गर के चांदपुरा बन्न नूं पूरन का काम फौज वलों तेजी नाल जारी है। यह बन्न शनिचरवार तक मुकम्मल कर लिया जाएगा जिस नाल बुढलाडा के पिंडां विच घग्गर दरिया के पानी नाल हुंदी तबाही रुक जाएगी। फौज वलों बन्न पूरन का अद्धा काम पूरा करके पानी नूं रोक दिता गया है। बुढलाडा खेतर के जिन्हां पिंडां च चांदपुरा बन्न टुटण तों बाद पानी भरिया सी उन्हां विच भी पानी घटण लग पिया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे दौरान कोंकण मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ते गुजरात च बहुत भारी मीह पैण की पेशीनगोई की है। इसने अगले 3 दिनों लिए ओडिशा च भारी तो बहुत भारी मीह और अगले 2 दिनों दौरान छत्तीसगढ़ विदर्भ तेलंगाना ते अंदरूनी कर्नाटका च बहुत भारी मीह पैण की पेशीनगोई की है। बैडमिंटन च सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी की जोड़ी अज योसू च कोरिया ओपन के मर्दा ते डबल्स के सैमीफाइनल च दाखिल हो गई है। क्वार्टर फाइनल चुना ने ताकुरो होकी ते युगो कोबायाशी की जापानी जोड़ी नूं 21-14, 21-17 नाल हराया। अंत विच चोणवीआं खबरां इक वार फिर सुन लो। भारत ते श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग के अहम खेतरां च 5 समझौतियां ते दस्तखत कीते ने। मणिपुर हिंसा ते होर मुद्दयां ते अज लगातार दूजे दिन संसद दीआं दोहां सभावां दी कारवाई च विघन पिआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भलके नवें भर्ती होए मुलाजमां नूं 70,000 तों वध नियुक्ति पत्र वंडणगे। ते पंजाब दे मानसा जिले च घग्गर दे चांदपुरा बन्न नूं पूरन दा काम तेजी नाल जारी है। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है।